नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है द हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि एग्जामिनेशंस परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्टिकुलरली यूपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी की बात कर लें, और भी जो सिविल सर्विसेज हैं एज लाइक स्टेट पीसीएस, जैसे कि मान लीजिए बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि काफ़ी उसके लिए इम्पोर्टेंट। यार अब देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है, यहाँ पे चार पांच न्यूज़ ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टि से। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे फ्यूगेटिव, जितने भी फ्यूगेटिव ऑफेंडर्स हैं तो उसके बारे में क्या क्या कहा गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम लोग जीएसटी कलेक्शंस के बारे में, जो कि अभी 1.4 लाख, ठीक है, 1.49 लाख करोड़ कलेक्शंस हुआ है, जो कि पिछले फरवरी के मंथ से, पिछले ईयर के जो फरवरी मंथ थे उसके अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग प्रेस काउंसिल के द्वारा क्या कहा गया, क्या वार्निंग दिया गया प्रिंट मीडिया के को लेकर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे S-400 रेजिमेंट के बारे में कि कब तक डिलीवर होने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि अर्ली 2024 में। अब देखिए उसके बाद आकर के मेन तीन एडिटोरियल्स है जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे विंडसर फ्रेमवर्क क्या है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और किस कंट्री के बीच और किस तरह से डील किया गया है। और उसके बाद देखेंगे जो पॉलिटिक्स में, जो जुडिशरी सिस्टम यदि पॉलिटिक्स इन कर जाता है और कब कब इन किया है तो क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग, डिटेल से जानेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में क्या होता है, कैसे वर्क फंक्शंस करता है। उसके बाद जानेंगे NJAC आखिर क्यों NJAC अभी न्यूज में था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे NJAC और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अभी GWE का जो प्रेसिडेंसी चल रहा है, इसमें जो इंडिया के लिए ये ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क कर रही है। ठीक है, वर्क करेगी, इस किस तरह से इंडिया हैंडल करते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट वन, जो फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ पब्लिश किया गया उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन, जब हम न्यूज़ की बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर से रिलेटेड है। आप देखिए इकोनॉमिक ऑफेंडर किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी ऑफेंस किया है, किस तरह से को ऑफेंस, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, मान जैसे कि अभी रिसेंटली विजय माल्या का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, नीरव मोदी का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को लेकर के क्या होता नहीं, ये सब क्या करते हैं, जो एक कंट्री है मान लीजिए इंडिया से क्या किया, वो पैसा का कलेक्शन किसी तरह से किया, पैसा अर्न किया, और ठीक है, चाहे वो किसी भी करप्शन के माध्यम से हो या ड्रग को सेलिंग करके हो, ठीक है, तो वो क्या किए हैं ना कि एक कंट्री से, ठीक है, इंडिया से चला गया कहाँ, ब्रिटेन चला गया, है ना, तो इससे क्या हुआ ना कि जो इंडिया है, इंडिया के बहुत सारे बैंक हैं, उससे अपना पैसा कर्ज लेकर के वो चला गया। इससे क्या हुआ कि इंडिया के जो स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति है, उस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। इसी तरह से और भी कंट्री हैं जो कि दूसरे दूसरे वहाँ के जो फ्यूगेटिव, इकोनॉमिक फ्यूगेटिव होते हैं, दूसरे कंट्री चले जाते हैं। क्यों, इसके पीछे रीजंस ये होते हैं कि जो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे उसको कई सारे, ढेर सारे उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, और ढेर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के कारण वो वहाँ पे चले जाते हैं, उसको वहाँ पे संरक्षण भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को लेकर के अभी भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया, जो G20 का अभी प्रेसिडेंसी चल रहा है, और G20 का जो प्रेसिडेंसी चल रहा है, इसी कारण जितने भी G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ये कहा गया है कि देखिए क्या है ना कि आप लोग जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उसको जितना जल्द हो सके इंडिया को एक्सट्राडाइट करें, मतलब कि प्रत्यारोपित करें, मतलब उसको समर्पित करें भारत सरकार को। इससे क्या होगा कि भारत सरकार के जितने भी इस तरह से फ्यूगेटिव ऑफेंडर हैं उसको इंडिया लाने में हेल्प मिलेगा, और इससे जो हमारे देश की स्थिति है और वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसी को लेकर के आप देखिए, इसके तहत एक एक्ट बनाया गया था 2018, ठीक है, तो इसके तहत जितने भी फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उसको इंडिया भेजने की बात करता है इस एक्ट के तहत। तो उसी को लेकर के यहाँ पे है कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो कंट्री है, अब मान लीजिए कि अगर दूसरा कंट्री दूसरे इस तरह से जो फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उसको अगर सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो ऑफेंडर्स है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, और इस तरह से जो कंट्री है, जिस कंट्री से वो अपना इकोनॉमिक
इकोनॉमिक थिंग्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो करप्शंस करके लेके आते हैं, तो इससे वो कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया, अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ये चीज़ को फेवरिंग किया गया, और ये जो प्रेसिडेंसी है उसमें ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं एस जयशंकर द्वारा सर, ठीक है, उनके द्वारा ये चीज़ बताया गया। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड वन न्यूज़ है, इस न्यूज़ में ये बात कर रहा है कि जो अभी जीएसटी कलेक्शंस हैं, ठीक है, पिछले ईयर के जो यानी कि 2022 का जो फरवरी मंथ था उसके अपेक्षा में काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि अब की बार जो कलेक्शंस हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, कितना, तो ये 1.49 लाख करोड़, ठीक है, यहाँ पे शेष। अब देखिए शेष क्या होता है, शेष का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, एक ऐसा टैक्स मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, और उस पर फिर डबल टैक्स लगता है, एक तो टैक्स लगा फिर जाके टैक्स लगा, तो इस तरह के जो टैक्स होते हैं इसी को बोलते हैं शेष। तो इसी को लेकर के है, देखिए पिछले जब ईयर की बात करते हैं तो पिछले ईयर जो था 3.4 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, इस साल 4.149 लाख का कलेक्शन हुआ है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे है। तो देखिए ये क्या है ना कि प्रत्येक मंथ रिलीज किया जाता है, ये एग्जामिनेशन प्रेसपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी क्या होता है ना कि एक चीज माइंड में आपको केयर करना होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको सी एस से समझना था, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये न्यूज की बात करते हैं, तो इसमें अभी S-400 के बारे में आप नाम सुने होंगे, ठीक है, तो ये जो है S-400 ये रशिया के द्वारा एक बनाया गया, ठीक है, ये वेपन्स है, ठीक है, जो कि काफ़ी कारगर है जब वार का टाइम आता है, ठीक है, तो इसी को लेकर के क्या है ना कि इस पर इंडिया और रशिया के बीच इसका डील हुआ था, ठीक है, तो ये 2022 यूक्रेन रशिया वार के पहले की बात है, ठीक है, तो क्या हुआ था ना कि और रशिया के द्वारा इंडिया को S-400 प्रोवाइड करने की बात की गई थी, लेकिन क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन वार होने की वजह से, ठीक है, रशिया यूक्रेन वार होने की वजह से रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज किया गया है ना यूएसए के द्वारा, और यहाँ तक कि जो उसका इकोनॉमिक कंडीशंस है पर्टिकुलरली जो डॉलर में कोई चीज़ यूज करने के भी प्रोहिबिट किया गया था, ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ ना कि जिसके कारण S-400 इंडिया को प्रोवाइड नहीं किया जा सका था टाइम से, ठीक है, और इसको लेकर के अब जो है अभी S-400, ठीक है, अभी भी क्या है ना कि बहुत सारे इस पर रूल्स भी बने थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना कि वो कारगर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी डॉलर इस पे प्रोहिबिटेड है। अब जा करके क्या है ना कि अभी रिसेंटली जो रशिया है S-400 इंडिया को डिलीवर करने की बात कर रही है, कंप्लीट हो जाएगा ये 2024 के शुरुआत में ही, ठीक है, 2024 के शुरुआत में तक सारे जितने भी S-400 है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में S-400 अभी सिस्टम्स नहीं है, ठीक है, और जब हम बात करते हैं चाइना के, ठीक है, तो चाइना में S-400 बहुत है उसके पास, ठीक है, तो इसी को लेकर के इंडिया को भी प्रोवाइड करने की बात की गई थी, ताकि इस तरह से कोई भी जो घटनाएँ होती हैं तो इसको लेकर के इंडिया प्रिपेयर है पहले से डिफेंस डील से रिलेटेड, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड कोई भी इस तरह से इवेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया चाइना उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, तो ये तीन कंट्री जो कि हैं क्या है ना कि इंडिया से पर्टिकुलरली इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है चाइना हो गया उसके बाद पाकिस्तान हो गया, ये काफ़ी इस मामले में क्या रहते हैं आगे रहते हैं, ठीक है, तो इसी को लेकर के इंडिया को भी इस पर प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। तो इसी को लेकर के S-400 क्या हुआ था उसके रशिया से लेने की बात की गई थी, ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि 2024 के पहले तक मिल जाने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो पर्टिकुलरली ये मुंबई से, अब देखिए मुंबई में क्या हुआ था ना कि कुछ देर पहले वहाँ पे जो था उद्धव ठाकरे, ठीक है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए क्या होता है, एक एंटी डिफेक्शंस लॉ होता है। अब देखिए एंटी डिफेक्शंस के तहत क्या होता है, जो पर्टिकुलरली 1985 की बात है, 1985 से पहले तक क्या होता था, मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर्स है, वो क्या करते थे कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। अब मान लीजिए वो उस क्षेत्र से किसी क्षेत्र से क्या हुए हैं, वो विन किए हुए हैं, जीते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या है मेंबर्स हैं, तो अब क्या होता था उसके कारण इम्पैक्ट पड़ता था वहाँ के जो कैबिनेट है उस पर। तो अब इसी को लेकर के क्या हुआ था कि 1985 में एक लॉ बनाया गया, ठीक है, जिसका कि नाम दिया गया एंटी डिफेक्शंस लॉ। अब देखिए इस लॉ में क्या प्रोविजंस है, इस लॉ में ये प्रोविजंस है, यदि कोई भी पर्सन या कोई भी लीडर किसी पार्टी को लेफ्ट करती है तो उसको
एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको क्या किया जाएगा, उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कंडीशंस क्या था, हाँ यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ठीक है 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर किसी भी पार्टी को लेफ्ट कर जाती है तो वो क्या होगा, वो वैध है यानी वैलिड है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि वैलिड माना जाएगा और उसको उसके जो 2/3 मेंबर्स है उसका मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ मुंबई में, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी में था ठीक है, तो उसका जो है 2/3 मेंबर क्या किया पॉलिटिकल पार्टी को लेफ्ट कर गया, जिसके कारण वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स थे ठीक है कौन उद्धव ठाकरे ठीक है, उसको क्या करना पड़ा मेजोरिटी नहीं होने के कारण उसको रिजाइन देना पड़ा। और जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स जो कि एकनाथ शिंदे ठीक है, एकनाथ शिंदे जिसको कि मेजोरिटी मिला उन्होंने वहाँ पे अपना गवर्नमेंट बनाया, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स बन गए एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे जो है जो शिवसेना थे उनके द्वारा क्या किया गया कोर्ट में केस किया गया। ठीक है, तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर ये कहा कि ये वैलिड है और उसी को लेकर के अभी क्या चल रहा है हियरिंग चल रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज में आया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है अप्लाई है इफ फैक्शंस स्प्लिट फ्रॉम पार्टी है ना, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा क्या आखिर रीजन्स है एंटी डिफेक्शन लॉ और उसके बाद मुंबई में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी पेड न्यूज प्रिंट मीडिया है ठीक है उनको ये बताया गया है कि वो जो है किसी भी तरह से किसी भी तरह के जो पेड न्यूज है उसको नहीं पब्लिश करेंगे। अब देखिए क्या है, अभी देखते होंगे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं ठीक है, तो उस पर क्या होता है ना कि एक ही पार्टी का ठीक है मान लीजिए कि उसको किसी तरह से पेमेंट किया या किसी तरह से स्पॉन्सर किया तो उसी के पक्ष में और उसी का न्यूज मोर एंड मोर टाइम पब्लिश करते रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए जो जिस तरह से न्यूज़ सुनेगा उसका उसी तरह से ओपिनियन बनेगा, उस तरह से थाउट है। इंडिया के जो बॉडी हैं ठीक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उनके द्वारा ये वार्निंग दिया गया है कि जितने भी प्रिंट मीडिया हैं वो इस तरह से जो पेड न्यूज है वो पब्लिश नहीं करेंगे, और इस तरह से क्या है यदि इस तरह से करते हैं तो उस पर क्या लगाया जाएगा, उस पर प्रोविजंस लगाया जाएगा और जो है आने वाले दिन में वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है कि पर्टिकुलरली क्या होता है ना इलेक्शंस के टाइम में इस तरह से देखे जाते हैं, तो इसको लेकर के रिप्रेन करने की बात की जा रही है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए जब हम बात करते हैं एडिटोरियल्स की, एडिटोरियल्स में जो आज का एडिटोरियल्स है वो पर्टिकुलरली क्या है ना कि पॉलिटिकल पार्टी से जो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशंस होता है ठीक है कहाँ पे जुडिशरी में ठीक है, तो अभी तक कितनी बार हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में। अब देखिए फर्स्ट वन क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि देखिए 1971 में क्या हुआ था कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स थे कौन थे, तो इंदिरा गांधी ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया था कि जो जुडिशरी है ठीक है, तो जुडिशरी में उसका एक तरह से इंटरवेंशन माना जाता है इस एडिटोरियल्स के अकॉर्डिंग ठीक है, और जानते भी होंगे आप हिस्ट्री में ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे घटनाएँ देखने को मिला ठीक है जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं था है ना, जो देश के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उसके अगेंस्ट, और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इंडिया को ठीक है जो इंडिया में प्रेसिडेंट रूल ठीक है राष्ट्रपति शासन यदि इमरजेंसी लॉ इम्पोज किया गया ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट वन देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम्स क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम में जो जज होते हैं ठीक है उसकी नियुक्ति की बात की जाती है, और कॉलेजियम सिस्टम के तहत क्या होते हैं कि जो मेन होते हैं उसका हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले जो था इसमें वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो जज थे, उसके बाद जाकर के आगे चल के जो है इसमें 5 मेंबर और प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद जाकर के अभी जो है रिसेंटली 5 यहाँ पे क्या होता है
कि फाइव फाइव नहीं नहीं इंक्लूडिंग फाइव, ठीक है, यानी कि फोर प्लस वन, फोर प्लस वन, वन जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसके बाद जाकर के फोर जो होंगे सीनियर मोस्ट जज होंगे। इसमें ही जो सीबीआई होते हैं, सीबीआई को भी इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला करके पाँच मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं किसमें, कॉलेजियम सिस्टम में। और क्या करते हैं ये जो है जज की नियुक्ति करते हैं। अब जज की नियुक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, इसके मन में, ठीक है, इसके द्वारा जिसको ये कहा जाएगा कि इस ये जज के लिए योग्य है, ये पांचों मिल कर गए, ठीक है, तो उसे जज के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है जो जज होते हैं, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ये चीज़ प्रायोरिटी दिया जाता है कि इस तरह से जज की नियुक्ति करें, है ना। तो अब देखिए इसमें पर्टिकुलरली, अब देखिए एक चीज़ और, एनजेएसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया, ठीक है, जब एनडीए गवर्नमेंट आया सेंट्रल में, तो इसके तहत क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे कॉलेजियम सिस्टम में सारे जुडिशरी से थे, है ना। लेकिन एनजेएसी में जो है क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि देखिए तीन तीन का होगा, ठीक है, मतलब टोटल मिला के छः मेंबर होंगे, तीन जो होंगे किससे होंगे, ये जुडिशरी से होंगे, और तीन जो होंगे ये किससे होंगे, ये होंगे पॉलिटिकल पार्टी से जो कि रूलिंग पार्टी में है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और बताया, या इसमें कहा गया ये इसमें तीन कौन कौन होंगे, इसमें जो होंगे एक लॉ मिनिस्टर्स होंगे और दो कोई और कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीन, यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जज है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जो जुडिशरी है इसमें अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी इंटरवेन कर जाती है, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी इंटरवेन कर जाती है तो क्या होता कि जुडिशरी पे भी कंट्रोल हो जाएगा और जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा, और इस तरह से जो एनजेएसी है उसको इम्पैक्ट में नहीं लाया गया, इसके ऊपर नल एंड वॉइड करार दिया गया। क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो होता है इसको, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया, और आपको पता है कि केशवानंद भारती केस से कि केशवानंद भारती केस में क्या आया है, इसमें ये आया कि पार्लियामेंट के पास ये ऑथोरिटी है, क्या ऑथोरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में वो अमेंडमेंट कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है इसमें आपका ये आ जाता है जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, है ना। तो इसके तहत क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, इसीलिए एनजेएसी को नल एंड वॉइड करा दिया। तो अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप फिर बात की जा रही है कि देखिए जो राइटर्स हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए कब कब क्या क्या घटनाएं हुए, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में इमरजेंसी हुआ, क्यों, क्योंकि उस समय क्या था, इंटरवेंशन हो गया था किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। उसके बाद देख करके अभी रिसेंटली और भी ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ठीक है, और जो यूपी है, ठीक है, यूपी में क्या हुआ कि वहाँ का जो जितने भी अभी अयोध्या पे, ठीक है, जो फैसला देखने को मिला वो कहीं ना कहीं इस फेवर में देखने को मिला, ठीक है। तो इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि देखिए ये सब क्या है, इन्फ्लुएंस है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिया गया है कि इंदिरा गांधी के टाइम में वो हुआ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में और भी घटनाएं हुए, तो ये सब चीज़ यहाँ पे ये क्रिटिसाइज करने की बात की जा रही है और राइटर के द्वारा। अब देखिए ये पूरा मामला था यहाँ पे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो पोर्टल्स में आती है और जुडिशरी का उस तरह से आइडियोलॉजी भी बन जाती है, तो इस तरह से जुडिशरी को हमेशा बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है, तो ही हमारा देश जो है एक सही दिशा में चलेंगे। तो इसके द्वारा ये भी बताया गया कि देखिए हमेशा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है ना कि उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि अच्छे कार्य करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन हमेशा बैलेंस स्थिति में रहें, ठीक है, किसी के फेवरिज्म में नहीं होना चाहिए एक जुडिशरी को, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये पूरा एडिटोरियल्स बताया गया राइटर। अब देखिए यहाँ पे जो है ये बताया गया कि देखिए G20 का जो प्रेसिडेंसी कर रहा है, देखिए इससे पहले कहाँ पे G20 का प्रेसिडेंसी हुआ था, वो हुआ था बाली में, ठीक है, थाईलैंड का एक प्लेस था बाली, वहाँ पे प्रेसिडेंसी जो आयोजित किया गया था, ठीक है, G20 का। अब देखिए अभी रिसेंटली इंडिया के पास है, और इंडिया के पास ये बता रहे हैं कि देखिए इंडिया के पास अभी ग्लोबल लीडरशिप करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया G20, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन रशिया वार हुआ है, उसके बाद COVID-19 का सिचुएशन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था ना कि जो इकोनॉमिक स्थिति है पूरे वर्ल्ड का, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में नहीं है। और फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, ठीक है, बहुत सारे कंट्री अपने आप पे फोकस करने में लगे हुए हैं। और इस तरह से क्या है कि उसको अभी उतना अंडरस्टैंड नहीं है, वो अपने में उलझे हुए हैं। तो इस तरह से इंडिया किस तरह से अपने आप को किस स्टैंड पे ले जा पाते हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि इंडिया जो है अभी रसिया और यूक्रेन के जो बीच वार चल रहा है, अब इंडिया का जो स्टैंडिंग है, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान भी अपने आप को अवेस्टर्न रखा है, किसी के फेवर में नहीं रखा है। उसी तरह से इंडिया भी अभी क्या है कि अपने आप को अलग रखा है इस चीज़ से। तो अब देखिए इंडिया इस चीज़ को कैसे डील कर पाता है ताकि जो पूरा ग्लोबल है, ठीक है, वो इंडिया की ओर इंक्लाइंड हो जाए, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे अभी रिसेंटली जो नई दिल्ली में पिछले मंथ, ठीक है, पिछले कुछ मंथ पहले, ठीक है, वहाँ पे जो UN का वोटिंग हुआ था, उसमें टोटल मिला करके 141 स्टेट ने वोटिंग किया था, ठीक है, और उसमें जो है पर्टिकुलरली 31 मेंबर के साथ साथ, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान जो कि क्या हुआ था वो रशिया, इंडिया इंक्लूड नहीं था, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान जो कि रशिया को डायरेक्ट सपोर्ट किया था, सॉरी, रशिया को डायरेक्ट सपोर्ट किया था बट इंडिया सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे अब आगे चलते हैं किस तरह से इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है, ठीक है, इंडिया का एक तरह से मित्र माना जाता है बहुत पहले से, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया किस तरह से आगे लेकर के बढ़ेंगे ताकि लीडरशिप क्वालिटी और भी बने रहें और जो इंटरनेशनल मंच है उस पर अपना छाप छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के बात की गई। अब देखिए ये विंडसॉर फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। अब विंडसॉर फ्रेमवर्क क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं इंग्लैंड के बारे में, जो ब्रिटेन है उसके बारे में, जो जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में पहले ब्रिटेन भी शामिल था। लेकिन क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, ठीक है, ब्रिटेन एग्जिट हो गया, तो इसी का नाम पड़ गया ब्रेग्जिट, ठीक है, इसका नाम पड़ गया ब्रेग्जिट। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ब्रेग्जिट इसका नाम पड़ गया तो बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, ठीक है, जो कि ब्रिटेन से अभी भी ताल्लुकात रखते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या था, UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन दोनों अलग अलग पार्ट बन गए। अब देखिए यूके का जो पार्ट था, एक था नीदरलैंड, ठीक है, तो अब देखिए नीदरलैंड पार्ट था लेकिन, और इसको नीदरलैंड का पार्ट भी रखा गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी था जो कि यूके के साथ नहीं रहते थे, मतलब यूके के जो फेवरिज्म थे, ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, देखिए यूके मतलब सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में उसमें कौन कौन सा था, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, और ये कंट्री है, ठीक है, तो ये है। आप देखिए कि क्या है, नीदरलैंड जो है ये किसका पार्ट है, ये भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। अब जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी था वो कहीं ना कहीं इसका इनक्लाइनेशन किसके ओर था, तो ब्रिटेन की ओर था। लेकिन जब रेफरेंडम जो वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, तो यहाँ के जो पार्टी है, मतलब यहाँ के जो पार्टी है, तो उसके अगेंस्ट आया, मतलब कहने का अर्थ कि वहाँ के जो पब्लिक है वो कहता था, उनका कहना था कि हम क्या हैं, यूके के ही पार्ट रहेंगे, ठीक है, हम यूके के ही पार्ट रहेंगे। अब लेकिन जो यहाँ के यूके हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये कहा गया कि देखिए क्या है कि पार्ट है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे इसके द्वारा ये कहा गया कि जो नेबरिंग आयरलैंड है, ठीक है, कौन, तो आयरलैंड, तो जो आयरलैंड है, आयरलैंड से यदि ट्रेड की बात होगी तो इसमें क्या है ना कि उसके लिए परमिशन चाहिए होगा इसको यूके से, किसको, तो नीदरलैंड को, यानी कि ब्रिटेन से अगर वो करते हैं, ठीक है, ब्रिटेन का पार्ट है कौन, आयरलैंड, अगर ब्रिटेन से ये ट्रेड करते हैं कौन, नीदरलैंड, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यूके से परमिशन चाहिए। आप देखिए आगे चल के क्या हुआ, तो अब मान लीजिए कि कोई एक कंट्री है और एक मतलब कोई भाग है, किसी भी कंट्री का एक पार्ट है, मान लीजिए कि यूके है, ठीक है, तो यूके का पार्ट है कौन, नीदरलैंड,
तो अब नीदरलैंड पार्ट है और एक ही कंट्री में डबल डबल रूल है, ठीक है। मान लीजिए इसको किस क्यों परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे कंट्री से ट्रेड करने के लिए। तो अब जा करके यहाँ पे क्या था, इसी को लेकर के हमेशा मनमुटाव रहता था, ठीक है। तो अभी क्या किया गया, एक फ्रेमवर्क लाया गया, ठीक है, विंडसोर फ्रेमवर्क। तो इसके तहत क्या है कि अब जो है यहाँ पे कैटेगरी बांट दिया गया है, दो लेन बनाया गया, ठीक है, एक बताया गया ग्रीन लेन और दूसरा रेड लेन। तो बोला गया इसमें कि जो भी ग्रीन लेन टाइप के थिंग्स होंगे, ठीक है, उसके लिए अगर वो जो नीदरलैंड है यदि इस तरह से ट्रेड करते हैं किसी कंट्री से, मान लीजिए आयरलैंड या ब्रिटेन से, तो उसके लिए उसको चेक ज़्यादा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा चेक चेक नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि कोई रेड लेन में आते हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु, ठीक है, इसमें वस्तु भी डिफाइंड किया गया है कि उसको क्या होगा, उसको कड़ी चेक से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये विंडसोर फ्रेमवर्क के तहत ये प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो ये था विंडसोर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर से ऋषि सुनक, ठीक है, कहाँ के, तो यूके के, तो उनके द्वारा ये बताया गया, ठीक है। तो आपने पूरा समझ लिया कि क्या है विंडसोर फ्रेमवर्क और किस कंट्री पे ये किस कंट्री के बीच ये विंडसोर फ्रेमवर्क प्रिपेयर है। तो ये था पूरा मामला, थैंक यू। और देखिए आगे कुछ न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, एडिटोरियल्स में हम लोगों ने देख लिया जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स थे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन यानी कि 3 मार्च 2023 को। तब तक के लिए आप लोग अपना बाय, कंटिन्यू देखिए, थैंक यू।